अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ शाह हुसैन। आज के लेक्चर में मैं आपके साथ शेयर करूंगा एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ई कैट शॉर्टकट ट्रिक। और हमारे पास यहां पर एमसीक्यूज क्या है, इफ लिमिट एन अप्रोचेस टू इनफिनिटी 1+1/n kn इज इक्वल टू 1/e² देन के इज के की वैल्यू क्या होगी। माय डियर स्टूडेंट, हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। अब के की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको ये लेफ्ट साइड देखकर आइडिया हो जाना चाहिए कि ऐसा हमारे पास एक फार्मूला है। फार्मूला क्या है मैं आपके साथ शेयर करता हूं। हमारे पास ये फार्मूला है, लिमिट एन अप्रोचेस टू जीरो 1+n^(1)n = e। माई डियर स्टूडेंट, एक हमारे पास ये फार्मूला है और एक इसी से कन्वर्टेड फार्मूला है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1+1/n^(n)= e। अब जब भी ये फार्मूला अप्लाई होगा, हमारे पास शॉर्ट ट्रिक क्या है, हमने इन दोनों का लेना है प्रोडक्ट और जो आंसर आएगा वो e की पावर में राइट कर देना है। आप नोटिस करें, अगर मैं 1 ओवर n और n का प्रोडक्ट लेता हूं, कैंसिल करूंगा तो क्या आएगा 1, जो आंसर आएगा वो e की पावर में हम फिट करते हैं। तो आइए हम यहां पर यही शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करते हैं। हमने क्या करना है, हमने इन दोनों का लेना है प्रोडक्ट। तो माय डियर स्टूडेंट, अगर मैं इनका प्रोडक्ट लेता हूं तो डेफिनेटली 1/n (kn) ये हमारे पास वैल्यू है। और प्रोडक्ट कहां लिखना है, e की पावर में, मैंने पहले ही e की पावर में राइट कर दिया। और इक्वल किसके है, 1/e², इसको जब मैं न्यूमिनेटर में शिफ्ट करूंगा तो ये इक्वल बनेगा e^-2, यानी ये +2, जब हम ऊपर पावर शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा -2। अब आप नोटिस करें, ये n n से कैंसिल, रिमेनिंग क्या रहा, डेफिनेटली मल्टीप्लाई करने से रिमेनिंग रहा e^k और इक्वल रहा e^-2। तो यहां से इक्वेटिंग करेंगे तो हमारे पास k की वैल्यू क्या आएगी, सो k इज इक्वल टू -2। अब हमें देखना हमारे पास कौन सी करेक्ट ऑप्शन है। हियर करेक्ट ऑप्शन इज बीटा। माय डियर स्टूडेंट, हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इट्स टोटली फ्री। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, आपका कमेंट जो है बूस्ट अप करता है नेक्स्ट वीडियो को अपलोड करने के लिए। अब तक के लिए इतना ही, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।